माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, यहां के वर्तमान में अभी विधायक चौधरी उदय भान सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, महामंत्री श्री संजय चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल जी, विधायक महेश गोयल जी, प्रधान श्री रवि शर्मा जी, रामेश्वर चौधरी जी, बलबीर सिंह जी, ठाकुर जोगेंद्र सिंह जी, महास सिंह जी, दुर्गपाल सिंह चाहर जी, प्रशांत पोनिया जी, ठाकुर कुलदीप सिकरवार जी, सोनू चौधरी जी, शेर सिंह जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहां पर फतेहपुर सीकरी की इस धरती पर आप सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रारंभ हो चुका है और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में प्रथम चरण में 10 फरवरी को आप सभी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनकर के भेजना है। आपने प्रदेश के अंदर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है और विगत 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यपद्धति को भी देखा है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। कोरोना की तीसरी लहर ने व्यापक जनधन की हानि की। दुनिया कोरोना से पस्त है लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना प्रबंधन का जो कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि भारत एक बेहतर स्थिति में है। यहां पर न केवल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा का बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की जीविका की रक्षा के लिए भी उचित प्रबंध करने के प्रयास हुए हैं। कोरोना की थर्ड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से चला कि थर्ड वेव की आशंका को समय से पहले ही नियंत्रित कर दिया गया है। सेकेंड वेव के दौरान भी ऑक्सीजन का संकट आया था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन में प्रदेश का हर जनपद आज आत्मनिर्भर हो गया है। और भाइयों बहनों, प्रथम वेव में भी आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों को आए, उनको सुरक्षा, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, पूरे कोरोना कालखंड में न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है,
तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को देने का कार्य भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक पदाधिकारी आपकी सेवा में थे, लेकिन कोरोना के दौरान न सपा का तापता था, न बसपा का तापता था, न ही कांग्रेस का तापता था। जो संकट में साथी नहीं वह आपका सही साथी नहीं, वह कैसे सहयोगी जो संकट में सहयोग न करे। संकट का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही थी, वही साथी है। ये तो सपा और बसपा तो अवसरवादी है, और चुनाव में अवसरवादियों को सही सबक सिखाने की आवश्यकता है। इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं इस धरती को नमन करता हूं। यह धरती महापराक्रमी योद्धा गोकुल जाट की भूमि भी है। याद करिए, गोकुल जाट जी के नाम पर हम लोगों ने यहां एक चौक का नामकरण किया है और सड़क का भी नामकरण किया है। याद करिए, गोकुल जाट ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहां पर जो औरंगजेब गोकुल जाट के खिलाफ निर्मम कार्रवाई किया था, और जिस गोकुल जाट जैसे महापराक्रमी महायोद्धा को औरंगजेब के खिलाफ लड़ना पड़ा था, क्योंकि वह धर्म और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था, तो एक वीर योद्धा के रूप में गोकुल जाट के नेतृत्व में यहां के योद्धाओं ने उस विदेशी आक्रांता के खिलाफ युद्ध का मोर्चा लिया था। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोकुल जाट को सम्मान नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी की सरकार तो आगरा में एक म्यूजियम बना रही थी औरंगजेब के नाम पर। हमने कहा म्यूजियम औरंगजेब के नाम पर नहीं बन सकता, आगरा का म्यूजियम छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनेगा, और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम आज आपके आगरा में बन रहा है। भाइयों बहनों, सपा हो, लोकदल हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी लोग जन आस्था के साथ तो खिलवाड़ करते ही थे, जनता को सुविधाओं से वंचित भी रखते थे, विकास कार्य ठप पड़े थे। विकास का मतलब सफाई का विकास, नौजवानों को रोजगार का मतलब सफाई को ही सारा चला जाता था, आगरा वंचित रह जाता था। आज तो आगरा को वायु सेवा से भी जोड़ दिया गया है, आज तो आगरा में मेट्रो का काम भी हो रहा है, अब तो हम लोगों ने आगरा में गंगा जल उपलब्ध करवा दिया है, और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी हमारी सरकार बहुत शीघ्र करने जा रही है। पिछली सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार थी, उस सरकार ने गरीबों का, वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों की पेंशन को बंद कर दिया था। हमारी सरकार 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। ये हमारी गरीब कल्याण की योजना को प्रदर्शित करता है। कुंवारी कन्याओं के लिए कन्या सुमंगला योजना,
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई डबल इंजन की सरकार। हर कन्या को स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के स्नातक तक की पढ़ाई फ्री में, और फ्री में ही नहीं बल्कि 15,000 रुपए बेटी को पढ़ाई के दौरान भी सरकार अलग से उसके अकाउंट में देने का कार्य करेगी। ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया। भाइयों बहनों, बेटियों की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की स्थिति, दंगा हर तीसरे दिन दंगा, या बेटियों की सुरक्षा में कितना खेल होता था, लेकिन आज बेटी भी सुरक्षित है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। अब तो दंगा करने वाले को 10 बार सोचना पड़ता है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर चश्मा हो जाएंगे। बाप दादों ने जो नैतिक अनैतिक तरीके से कमाया है सब बिक जाएगा, इसलिए सभी लोग आज दंगा करने से भागते हैं। नहीं तो भाइयों बहनों, सपा की सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, एक नियति बन चुकी थी प्रदेश की दंगा करने की। और इसलिए आज हम सब आए हैं आपके बीच में आपसे कहने के लिए, मात्र भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आस्था का भी सम्मान कर रही है। प्रत्याशियों की सूची आप देखें, कैसे कैसे लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में एक होड़ लगी है, ऐसे लोगों को प्रत्याशी देने की जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। याद करिए, मुजफ्फरनगर का दंगा भी हुआ था और मुजफ्फरनगर के दंगे से समाजवादी पार्टी की टोपी पूरी रंगी हुई है। उन निर्दोष किसानों का, उन निर्दोष जाति युवकों का, गौरव और सचिन नाम के उन निर्दोष नौजवानों के खून से रंगे हुए समाजवादी पार्टी के हाथ। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। इन लोगों को जब अवसर मिला, इन्होंने प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकने का कार्य किया, प्रदेश के विकास की योजनाओं पर बंदर बांट करने का कार्य किया। प्रदेश के विकास को इन लोगों ने पूरी तरह से, प्रदेश को बर्बाद करने के लिए कोई भी ऐसा जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उस षड्यंत्र के हिस्सेदार सपा और बसपा अपने अपने समय में रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत दुनिया के अंदर एक महाताकत के बनकर के उभर रहा है। हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और महिला को आज सम्मान मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, हर गरीब को शासन की योजना के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों के लिए हो, गरीबों को उनकी उपज का दाम देने का हो, फूड प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में आलू प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग यूनिट लगाने की कार्रवाई हो। अभी हम लोगों ने मथुरा में लगाया एक बहुत बड़ा उद्योग लगाया है, जहां 1,00,000 मीट्रिक टन आलू की प्रोसेसिंग हर साल होगी, किसान को अच्छा दाम मिलेगा और किसान खुशहाल होगा। प्रदेश के 2,54,00,000 किसान भाइयों बहनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों की कर्ज माफी का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया था। और यही नहीं, प्रदेश के नौजवानों के लिए 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की कार्रवाई रही हो, या फिर 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार की सुविधा, ये केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही द्वारा किया गया। पिछली सरकारें तो नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा और महाभारत के सारे रिश्ते उन नौजवानों के परिवारों से वसूली के लिए निकल पड़ते थे।
प्रदेश के अंदर नौकरी के नाम पर लूट खसोट होती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर केवल पैसा वसूला जाता था और तमाम प्रकार के माफियाओं को प्रश्रय देकर के अराजकता पैदा करवाने की पूरी छूट दी जाती थी। भाइयों बहनों, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दे पर इस चुनावी समर में आपके सामने है। कोरोना के कारण हम बड़ी बड़ी रैली नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, उस सब के बावजूद आपका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो दिख रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो अपराधी और माफिया सपा बसपा का प्रत्याशी बनकर के जनता को धमकाने का कार्य कर रहे हैं, वे लोग याद नो याद कर ले 10 मार्च की तिथि, जब परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा, फिर चलेगा। और उसी विश्वास के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। ये फतेहपुर विधानसभा सीट से हम लोगों ने अपना योग्य प्रत्याशी, आपने योग्य विधायक दिया था चौधरी उदय भान जी के नाम पर, प्रदेश सरकार ने उन्हें मंत्री बना करके यहां की सेवा और प्रदेश की सेवा के लिए लगाया था। चौधरी उदय भान सिंह जी हमारे बहुत अच्छे विधायक के रूप में उन्होंने काम किया और आज भाइयों बहनों हमने यहां पर चौधरी बाबूलाल को एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। चौधरी बाबूलाल एक युवा है और आपकी तरह युवा बनकर के कार्य करना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है। चौधरी बाबूलाल जब काम करेंगे तो भाइयों बहनों पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, बालिका शिक्षा की समस्या के लिए हमने पहले ही कॉलेज दे दिया है, जमीन दे दीजिए, कॉलेज का निर्माण भी यहां पे हो जाएगा, तो कॉलेज के लिए हम पहले कॉलेज स्वीकृत करके यहां भेजे हुए हैं। आप लोग चौधरी बाबूलाल से सहमत हैं? कमल निशान पर सब वोट देंगे, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।